नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल टाइगर पे। दोस्तों आज आपके लिए नई अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी नई अपडेट आए सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। 5 जुलाई तक नहीं निकला हल तो फिर होगी महापंचायत। हिम्मत सिंह का ये कथन है दोस्तों। यदि 5 जुलाई तक उनको हल नहीं निकाला गया रिजर्वेशन का, तो फिर से वो महापंचायत करेंगे। कल का जी राजस्थान न्यूज का ट्वीट हम शाम का आपको दिखाते हैं। कल रात का ये ट्वीट है दोस्तों, देखिए। सिकराय दौसा एमबीसी अभ्यर्थियों का धरने का मामला, प्रशासन गुर्जर नेताओं के बीच वार्ता में नहीं निकला हल, अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। कलेक्टर एविचल चतुर्वेदी, गुर्जर नेता हिम्मत सिंह रहे मौजूद। हिम्मत सिंह ने कहा 5 जुलाई तक नहीं निकला हल तो फिर होगी महापंचायत। तो दोस्तों ये गुर्जर नेता हिम्मत सिंह जी ने कहा है कि यदि 5 जुलाई तक उनका रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ और सभी भर्तियों में 5% रिजर्वेशन नहीं दिया गया, तो पुनः फिर से महापंचायत करेंगे और दोबारा से सड़क पर उतर आएंगे। दोस्तों ये कल शाम का जी राजस्थान न्यूज का ट्वीट है दोस्तों, और हम आपको दूसरा जी राजस्थान न्यूज का ट्वीट भी दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे हम विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों जी राजस्थान न्यूज का दूसरा ट्वीट दिखाते हैं। सिकंदरा दौसा अभ्यर्थियों के धरने का मामला, धरना स्थल पर हुई समाज की बैठक, समाज के लोगों ने जताया सरकार के रवैये पर आक्रोश, सड़क जाम करने पर उतारू हुए गुर्जर समाज के लोग। तो देख सकते हैं राजस्थान न्यूज के ट्वीट पर आपको दोस्तों कि गुर्जर समाज पर ने सरकार के रवैये पर आक्रोश जताया दोस्तों, और सड़क पर जाम करने के लिए दोबारा से उतारू हो गए हैं। तो दोस्तों ये आज का सबसे बड़ा अपडेट है। जब भी नई न्यूज आएगी हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।